योगी हो गए सबसे पावरफुल, अब कोई नहीं हटा पाएगा। चार धाकड़ अधिकारी यूपी में तैनात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जाएगा, इस तरह की खबरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक के हलकों में तैर रही हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। जब से चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद से इन खबरों को और हवा देने का काम किया गया है। हालांकि चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सनसनी फैला दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग चुनाव जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर अंदर साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यूपी से सामने आई जिसने इन तमाम अफवाहों को विराम दे दिया। सोचिए, पहली बार योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा मनोज कुमार सिंह को यूपी का सबसे बड़ा अफसर नियुक्त किया गया है। जी हां, मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्य संभाल लिया है मनोज कुमार सिंह ने, जो कि योगी आदित्यनाथ के सबसे खास बताए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना होता तो फिर उनके पसंदीदा अधिकारी को सबसे बड़ी पोस्ट पर यूपी में क्यों भेजा जाता? निश्चित तौर पर केंद्र को लेकर जितनी भी ये अटकलें लगाई जा रही थीं, उन सब पर विराम लग गया। हालांकि सिर्फ मनोज कुमार सिंह ही नहीं बल्कि 4 ऐसे अधिकारी यूपी में तैनात किए गए हैं जो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को पावरफुल बनाने का काम करेंगे। उन 4 अधिकारियों के बारे में आपको बताएं, उनसे पहले जरा मुख्य सचिव मनोज सिंह के बारे में जान लीजिए। कौन है मुख्य सचिव मनोज सिंह? मनोज सिंह 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। मनोज सिंह नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। हाथरस घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर अपनी कार्यशैली की झलक दिखाई। मनोज सिंह सरकार में कृषि उत्पादन आयुक्त, पंचायती राज और बागवानी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे पदों पर रहे हैं। मनोज सिंह हर दिन कार्यालय में 14 घंटे बिताते हैं। मनोज सिंह की यूपी में तैनाती ये बताती है कि जितनी भी अफवाहें योगी को लेकर फैल रही थी वो सारी झूठी थी। निश्चित तौर पर प्रदेश में सबसे बड़ा अफसर योगी की पसंद का होगा, तो काम करने में योगी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को मजा आएगा। अच्छा, इन सब के अलावा आपको बताते हैं और कौन कौन तैनात किए गए हैं यूपी में। यूपी के कार्यवाहक DGP और 3 ADG भी यूपी में तैनात किए गए हैं और ये चारों ही अफसर बिहार से आते हैं। बिहार के सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ी गांव के प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं। भोजपुर के बढ़हरा प्रखंड के लौहर गांव के विनोद सिंह यूपी पुलिस के साइबर सेल के ADG बनाए गए हैं, जबकि आशुतोष पांडे UP SIT के ADG हैं और वो भी बिहार से ही आते हैं। तो ये 4 अधिकारी यूपी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, चाहे विकास की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड कर देने की बात हो। फिलहाल आप इस खबर को लेकर और इन 4 अधिकारियों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।